एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों, लगातार आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि क्या हो रहा है सुनवाई में 20 नंबर पे केस टेकअप। जैसे ही हुआ बीएड वर्सेस बीटीसी का, लगातार उसके बाद आप लोग का आ रहा था कि भैया क्या हो रहा है, क्या सुनवाई हुआ, क्या और टेकअप हुआ। और जितनी जल्दी हुआ उतनी जल्दी केस को मतलब सुनवाई के बाद हटा भी दिया गया, रिजोल्व भी कर दिया गया। और इसके बाद लगातार आप लोग के कमेंट तो आ रहे थे, लेकिन देखिए प्रोफेशनल लाइफ में हम भी कोर्टरूम में उपलब्ध थे और अपना भी कुछ काम रहता है, इसलिए लगातार आप लोगों को जवाब देने में सक्षम थे। लेकिन फाइनली अब आकर के आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या हुआ है बीएड वर्सेस बीटीसी में। अब कुछ लोगों के लिए तो ये अत्यंत ही दुखद खबर है और एक तरह से निकल भी रहा है। कोई कह रहा है कि बीएड को शामिल कर लिया गया, कोई कह रहा है बीटीसी को शामिल कर लिया गया, कोई बीएड को बाहर कर रहा है, कोई बीटीसी को बाहर कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, सुनवाई हुई है, बस इतनी सच्चाई है। और सुनवाई भी क्या हुई है मैं आपको बता देता हूँ। सुनवाई ये सब हुई ही नहीं है, मुश्किल से 4 मिनट की सुनवाई हुई है, 4 मिनट की। और वो 4 मिनट की सुनवाई सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि जो आपके ऑनरेबल जस्टिस धुलिया और अनिरुद्ध बोस की जो बेंच है उसमें से आज एक जज साहब नहीं थे। मैं आप लोगों को नाम नहीं बताऊंगा, हालांकि आप लोगों को पता तो चल ही जाएगा क्योंकि इससे आप लोग क्रिटिसिज्म का एक अलग मौका मिलेगा। और आज उनकी जगह पे अनिरुद्ध जस्टिस दिवाकर थे और इसकी वजह से जो है दोनों जजेस जो हैं पूरे मैटर को ठीक तरीके से, एक जज पूरी तरीके से समझ रहे थे और एक जज जो है थोड़ा कमतर समझ रहे थे, जिसकी वजह से इसकी सुनवाई बहुत ब्रीफ नहीं हुई। राजस्थान रिट लेवल को लेकर के डिस्कशन थोड़ा सा हुआ और उसके बाद से अनिरुद्ध जस्टिस ने इस मामले को जो है सुनने के बाद कहा कि फैसला आज नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि अनिरुद्ध जस्टिस बॉस मतलब एक जस्टिस नहीं है, उनके साथ ही मैं फैसला दे सकता हूं। और ऐसा कह करके फाइल को उन्होंने हटा दिया। तो जो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं और इसकी आगे क्या हुई है, डेट भी मिल गया है, परेशान ना होइए, डेट तो मिला है, वही तारीख पे तारीख है। आप लोग थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं लेकिन ये न्यायपालिका है साहब, और वो भी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, आप उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बस इतना ही कर सकते हैं कि लगातार आप लोग का केस टेबल पे जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में तो एक एक केस आपको पता है 10-10 साल तक टेकअप ही नहीं होता है, कम से कम ये जा रहा है, ये प्रयास जारी है। असल में हुआ ये है कि जैसे ही सुनवाई शुरू हुई राजस्थान के रिट के ऊपर थोड़ा डिस्कस हुआ और फिर उसको कहा गया कि इसमें हम जब फाइनल सुनवाई कर चुके हैं तो इसमें और ज़्यादा क्या सुनने की ज़रूरत है। तो इस पर अनवल कोर्ट ने कहा कि इस पर अभी कोई सुनवाई नहीं होगी, इसमें सीधा सीधा हम फैसला देंगे। और इस केस की जो लिस्टिंग है वो जो है केस जो है अगस्त के फर्स्ट वीक में डाल दिया गया कि अगस्त के फर्स्ट वीक में हम इसका फैसला देंगे। उसका डेट अभी तक नहीं दिया गया है, डेट जैसे जनरेट होगा मैं आकर के आपको बता दूंगा। लेकिन 20 नंबर पे केस टेकअप हुआ, टेकअप होने के बाद सारी बातें होने के बाद 4 मिनट के अंदर ही अनिरुद्ध जस्टिस ने उसे हटा दिया, ये है एग्जैक्ट जानकारी। तो आज ना बीएड बाहर हुआ, ना बीटीसी बाहर हुआ, ना राजस्थान के रीट वालों की मांग मानी गई और ना ही मध्य प्रदेश के वर्ग 3 वालों को बाहर हटाने जैसी कोई बात हुई है। ये तमाम सिर्फ र्यूमर्स हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, किसी को बाहर या किसी को अंदर नहीं किया गया है अब तक। और बाकी इसके आगे और ब्रीफ बताऊँ आपको चीज़ें, लेकिन इससे पहले सामान्य ज्ञान बिहार शिक्षक बहाली के 1-5, 9-10 या 11-12 सब के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सब में ही आपको सामान्य ज्ञान का पेपर देना है और इसके लिए प्रभात पब्लिकेशन ने डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस के मार्गदर्शन में जनरल नॉलेज की बिहार स्पेसिफिक एक किताब बनाई है, जिसको लेकर के लगातार आप लोग की क्वायरी आ रही थी। क्योंकि बीपीएससी के पेपर में अगर आप देखें तो आपको 1-5 में भी जनरल नॉलेज का पेपर देना है, 9-10 में भी देना है और 11-12 के लिए भी देना है, आपको पता है। और इसमें बिहार स्पेसिफिक होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बिहार समग्र के जरिए, जैसा कि आप किताब में भी देख पा रहे हैं, आपको बिहार के जनरल नॉलेज की बहुत ही विस्तृत तरीके से नॉलेज होने वाली है, जिसके जरिए आपका जनरल नॉलेज इतने बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा कि चाहे वो 1-5 के लिए हो या फिर आपके 9-10 के लिए हो या 11-12 के लिए हो, आप पूरी तरीके से जनरल नॉलेज को कंफर्म कर सकते हैं। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप सबको। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी किसी को बाहर अंदर नहीं किया गया, तो रीमर वगैरह ना फैलाइए आप लोग, खुद कोर्ट में हम लोग अवेलेबल रहते हैं। और कोई ऐसी निगेटिव बात होगी तो सबसे पहले आकर के जब पॉजिटिव हम बताते हैं तो निगेटिव का भी ठेकरा हम अपने सर पे जरूर लेंगे, जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम राज्य, चाहे राजस्थान को देख लीजिए, राजस्थान को छोड़ दीजिए, झारखंड को देख लीजिए, जो अभी अभी 26,000 की भर्ती लेकर के आया है, लेकिन उसने जो है बाकायदा बीएड को एलिजिबल कर लिया है। बिहार जो है 1,70,000 की भर्ती में चल रहा है, उसने भी बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल किया है। तमाम राज्य, मध्य प्रदेश वर्ग 3 में जो है बीएड वालों को फाइनल नियुक्ति पत्र दे दिया गया, तमाम बाधाओं के बीच में उन्हें नियुक्ति पत्र आवंटन कर दिया गया, वो नौकरी पर चले गए। तो जिस तरीके की ये चीज़ें चल रही हैं, जो ये प्रोपेगेंडाज चल रहे हैं कि बीएड को बाहर कर दिया जाएगा, बीटीसी को बाहर कर दिया जाएगा, ये सब अभी बेसलेस है।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब फैसला देगा, अब जो है इसको 3 तारीख अगले हफ्ते मतलब अगस्त में इसको शिफ्ट किया गया है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में इसकी जैसे ही टेकअप होगा केस, तब उसके बाद ही कुछ क्लियर होगा। तो अभी आप लोग आपस में ना लड़िए तो बेहतर है। और मुझे जो लगातार आप लोग कह रहे थे तो थोड़ा सा देख ही रहे, अभी पोशाक भी वही है, बस कोर्ट से में ही है, तो कोर्ट से जस्ट निकल के आप लोगों के बीच में आ गए हैं। जब ब्रीफ में आएंगे तो आपको सारी जानकारी देंगे। फिलहाल ओवरऑल इतनी जल्दी मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि आज कुछ खास हुआ नहीं है। प्रणाम।